यार इस एनीमे को देखने के बाद मुझे ये बात तो समझ में आ गई, परफेक्शन जो वर्ड है वो इसी एनीमे के लिए बना है। और मेरे लिए तो ये 2023 का सबसे बेस्ट रोमांटिक एनीमे है। हाँ मुझे पता है अभी साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन यार फिर भी काफी अच्छा था ये, एक न्यू एरा की ब्यूटीफुल लव स्टोरी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा लविंग यामाडा एट। भाई ये देख लेना क्या लिखा है, मार्केट प्राइस है क्या है, मुझे पढ़ने में नहीं पड़ा। और अच्छी बात ये है, ये एनीमे 25 जून 2023 को कंप्लीट हो चुका है, तो तुम इसको एक बार में सारे एपिसोड्स देख के खत्म कर सकते हो। प्लॉट की बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट अकाने किनोशिता अपने बॉयफ्रेंड टाकुमा फुरुकावा से प्यार में धोखा मिलने के बाद उस गेम को खेल रही होती है जो उसे टाकुमा ने खेलना सिखाया था, जिससे वो गेम खेलते वक्त आपस में बात कर पाए। तभी उसको अपने गिल्ड का एक मेंबर ऑनलाइन है, जिससे उसने पहले कभी बात नहीं की होती, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अपना दुख दर्द बांटना चालू कर चुकी है। वो बात अलग है, उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इसकी बातों से, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट किस्म का लौंडा है। इसकी लंबी दुख भरी दास्ता सुनने के बाद उसके शब्द होते हैं ओके अच्छा ऐसा क्या। ये सब होने के कुछ ही देर बाद अकाने को पता चलता है कल उसके शहर में इसी गेम का एक ऑफलाइन इवेंट होने वाला है, जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आएगा। तो वो डिसाइड कर दिया वो कल वहां जाएगी और टाकुमा को महसूस कराएगी उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उसे छोड़कर, जहां वो गलती से एक हैंडसम गुड लुकिंग लड़का जिसका नाम यामाडा है उससे टकरा जाती है। और ये एक प्रोफेशनल गेमर है और यामाडा से दो बात करने से ही उसे पटाख से समझ में आ जाता है साला ये तो रात वाला लौंडा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक लंबी डिस्कशन के बाद उसके शब्द होते हैं ओके अच्छा ठीक है। लेकिन भाई साहब इसका बॉयफ्रेंड इस गेमर का बहुत बड़ा वाला फैन है, तो वो उसे पछतावा या फिर रिग्रेट फील कराने के लिए उसको अपना बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करने के लिए मना लेती है कुछ पैसे देकर, जिसके बाद शुरू होती है अकाने एंड यामाडा की प्रेम कहानी। तो यार यामाडा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड अकाने सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, तो इस एनीमे के अंदर तुम्हें एज गैप वाला रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन ये एनीमे इस एज गैप को इतने अच्छे से दिखाता है, यहाँ तुम्हें चीजें रश्ड फील नहीं होती जैसे मोस्ट ऑफ द एज गैप वाले एनीमे के अंदर होती है, और इसी एज गैप वाले टॉपिक को ये एनीमे एग्जैजरेट भी नहीं करता। इसके लिए ये एज गैप सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये एनीमे सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में है, धीमे धीमे बनती हुई एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में है, जिसके अंदर एक चार्मिंग लड़की है जो अपने आसपास भी एक चार्म क्रिएट करके रखती है, और एक लड़का है जो इसका एकदम अपोजिट है। ये रिलेशनशिप उनके बीच हुए बहुत सारे क्यूट एंड एक दूसरे के लिए केयरिंग मूवमेंट्स को एक साथ जोड़ जोड़ कर पूरी होती है। और हाँ यार, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और इस चैनल पर एनीमे रिव्यूज रिकमेंडेशन एंड अपडेट्स को लेकर वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला है, उसे देख के अपना वोट कर देना आगे किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। यार इस एनीमे के बारे में मुझे एक और अच्छी बात लगी, इसके कैरेक्टर्स के लुक्स जो इसके फर्स्ट एपिसोड में मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये एनीमे आगे बढ़ता जा रहा था यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा था अकाने जैसा क्यूट कैरेक्टर मैंने लास्ट टाइम किस एनीमे में देखा था। यार बहुत ज्यादा क्यूट फील होने लगी थी ये, शायद तुम्हें अभी ये देखने में इतनी क्यूट फील नहीं हो रही, लेकिन इस एनीमे का एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल तुम्हें उसकी क्यूटनेस फील करने के लिए मजबूर कर देगा। और जिस तरीके से इसके अंदर अकाने का कैरेक्टर लिखा हुआ है वो काफी अच्छा है। और भाई इसके साइड कैरेक्टर, इनके बारे में भी एक बार बात तो करना बनता है, क्योंकि यार एक शो के अंदर उसका मेन अट्रैक्शन उसके मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, लेकिन भाई इसके अंदर तुम्हें साइड कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देखने में अच्छा लगता है, जिसमें से यार मुझे ये रूरी आइम गेम का अवतार है इसको जो प्ले करती है वो पर्सन बहुत सही लगी, सबसे सरप्राइजिंग वही थी मेरे लिए। एंड एनिमेशन इज ऑल्सो गुड, जिसकी वजह से ये शो काफी फनी एंड काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस एनिमे को लेकर मेरे फाइनल थॉट से पहले यार जाते जाते एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ तो टॉप 10 एनीमे जो हिंदी में अवेलेबल है एंड 8 एनीमे जो जुलाई 2023 के अंदर हिंदी में आने वाले हैं उनके वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, चाहो तो देख लेना। यार अब बारी आती है इसको लेकर मेरे फाइनल थॉट्स की। तो भाई मेरे, अगर तुम्हें कोई ऐसा एनीमे देखना है जो तुम्हें रियलिटी से जोड़े रखे तो ये वो एनीमे है। इसको देख के तुम ये नहीं कह सकते ऐसा तो सिर्फ एक एनीमे के अंदर होता है, क्योंकि इसने अपनी कुछ बाउंड्रीज तय कर रखी है, जिनमें रहते हुए ये तुम्हें एक स्लो पेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाता है एक स्कूल स्टूडेंट एंड कॉलेज स्टूडेंट की, जो कुछ इवेंट्स फ्रेंड सर्कल एंड और भी कई चीजों की वजह से क्लोज आते जा रहे हैं। और भाई इसके अंदर तुम्हें केयर दिखती है एक इंसान की अपने पार्टनर को लेकर। तो भाई मैं इतना ही कहूंगा, रोमांटिक एनीमे देखना अच्छा लगता है तो ज्यादा सोचो मत, जाओ अब देख लो इसको, उसी में फायदा है। और हाँ, ये एनीमे मैंने रिकमेंड किया है तो देखने के बाद ऐसा हो सकता है ये तुम्हें अच्छा लगा और शायद तुम्हें थैंक यू बोलने का मन करे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, दो वीडियो स्क्रीन पर और आ रहे होंगे, इंटरेस्टेड हो तो इनको भी देख लेना। मैं आगे भी ऐसे एनिमेशन रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।